सबसे पहले पूछना चाहूंगा, परफेक्ट वुमन आप काफी समय से चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो ब्यूटी प्रेजेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना इनकरेजिंग है और कहां से इंस्पायर्ड हुए और क्या मकसद है इसका, व्हाट इज द एम ऑफ यू नो ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ ब्यूटी लेजेंड। हिंदी में बोलिए, या वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल दैट टाइम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑडियंस सुनने वाली है, राइट राइट राइट, सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये सब डालने कुछ मैं पूछना चाहूंगा, परफेक्ट वुमन सक्सेसफुली चला रहे हैं काफी समय से, बेसिक फोटो ये टू गिव एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल वुमन, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनकी क्रिएटिविटी, उनके टैलेंट, यहाँ तक कि आप इवन इफ यू सी हाउसवाइफ्स, दे आर फार क्रिएटिव देन अस, तो वो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करना चाहते थे। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स थ्रू द पब्लिकेशन फॉर्म। नाउ सिंस इट्स आर ब्यूटी पेजन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू कम अप विद फॉर मोर अवेयरनेस, जहाँ एक तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट हो और उन लड़कियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से उनकी एक नई बिगनिंग हो, न्यू स्टार्ट। तो ये भी कहना चाहता हूँ खुशी की, स्पीकिंग अबाउट ये जो मैगजीन है आपकी, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन ऑलरेडी एसोसिएटेड विद इट, यू नो, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, ये सब एक हिस्सा बन चुके हैं। कहाँ देखती है परफेक्ट वुमन मैगजीन को इन द कमिंग इयर्स, यू नो? शायद ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है, because the readers, because we've been getting her, we've been getting mails from all the readers ke ye magazine ke ye content acha, so we try to improvise our content and the readership level every year, every month, because since it's a monthly magazine, every month we coordinate with so many women from all sectors, maybe celebrities hain, uske alawa aap dekhenge women from different fields, working women, तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो वुमेन्स टुडे आर फार सुपीरियर, जैसे कि कहा जाते दे आर 50% शेयर होल्डर, वी कैन नॉट से, अगर आप ग्लोबलाइजली देखें, इट्स नॉट जस्ट अ मेंस वर्ल्ड, इट्स इक्वल, वी कैन नॉट से वी आर फार सुपीरियर देन मेन, बट यस वी आर इक्वल टू देम, तो दिस इज व्हाट इज द मेन फोकस, व्हाट वी हैव बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। मरीना, एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? वेल ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी कि किसी ने मुझे इस कदर समझा कि उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं खुशी जी को सिर्फ बोलना चाहती हूँ थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मेरे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी देखी और आपको लगा कि नहीं, मुझे मरीना को बुलाना चाहिए और मैं आज यहाँ पे हूँ, और कभी भी इन फ्यूचर, लाइक फ्यूचर में कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत है खुशी जी को, मैं हमेशा वहाँ पे जाऊँगी। और ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कि मैं खुद एक वुमेन हूँ, एक लड़की हूँ, और आजकल लड़कियों के साथ जो चीज़ें होती जा रही हैं, लाइक और आजकल लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, मतलब हमें, हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे तो एक हर इंसान एक सपना देखता है कि जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँ तो मैं एयर होस्टेस बनूँ, या मैं एक्ट्रेस बनूँ, या मैं कुछ और बनूँ, बट वो एक कहते ना प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि कहाँ पे जाए, किसको अप्रोच करें। तो जिस तरीके से ये चीज़ें कर रही हैं, तो ये तो इनको सल्यूट करने वाली बात है कि इन्होंने इतना अच्छा अभियान शुरू किया है। तो आई एम लाइक seriously, I'm proud of you. Seriously. Thank you so much. And very first thing is, she is going to be sharing all her tips and all about how to encourage girls in terms of, because beauty is something where girls lack today, and they always try to Google a lot many things how to make over, for a better makeover. And like she is, I guess she, you must have seen, noticing her for a long time. So she is very good into her agenda of fashion and even styling and everything, so she is going to share all her fashion tips and beauty and makeup tips. Thank you so much. अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, perfect Miss India, ये जो एक जब आप नाम सुनते हैं, how will you define this thing? See, as everyone knows, we cannot define perfection, because everyone is perfect in their own way, but yes, of course, to give a platform in yourself and being what you want, when you achieve something, yourself is a perfect woman, so it's all about perfection. जब इंसान सोचता है कि मुझे ये करना है, और पेरेंट्स का सहयोग, विद द पेरेंट्स सपोर्ट द चाइल्ड, इवन देन इट इज़ पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू बिकम अ परफेक्ट। अगर आप कहेंगे मिस इंडिया, सो मिस इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द पेरेंट्स सपोर्ट। इवन इफ इट इज़ फॉर मिसेस इंडिया, आई बिलीव अगर उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, तो वैसे ही वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज परफेक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट योर एंटायर फैमिली, योर सोसाइटी वेलकम यू इन अ परफेक्ट वे, so they have to accept you in a perfect, this is what we believe in our theme.
Marina, what about you? Why did you choose Marina? Huh, this is a good question. Yeah, because of her perfection. We believe her. She is, of course, a perfect woman, no doubt. She has been a part of a Perfect Achievers Award also. So we have been noticing a lot many activities in her. And she, the way she dresses, and she is very good into, because I believe the way she speaks, the jo ye baat karti hain, I guess, wo bahut hi inspirational hota hai. And of course, because since this is a pageant world where we see many girls coming from all area, all sectors, small town and small everywhere, towns, like, yeah. It's not just about metro cities. Today, metro cities se aap bahar jaoge, to you will see so many people, so many women. So for them, of course, she is one of the very inspirational. I get lot many mails for her. और मैं भी बेसिकली स्मॉल सिटी से ही आई हूँ यार, बहुत छोटी सी जगह से आई हूँ. और मेरी लाइफ में तो किसी का सपोर्ट नहीं था, सिर्फ माँ के अलावा, मतलब मेरे पीछे कोई भी नहीं था. नो मतलब जब मैं बॉम्बे में भी आई थी, कोई गॉड फादर नहीं था. और मैं अभी सोचती हूँ कि काश मैं जब बॉम्बे आई थी तब मुझे खुशी जी मिल जाती, तो मैं आज मिस इंडिया बन चुकी होती और कहीं ना कहीं कुछ और कर रही होती. तो ये इस तरीके से अगर आप देखें, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके मॉम, there is always somebody who is there to support you, your parents, your mother, your father, your sister, your brother. So only then it is possible for you to achieve your dreams. Ek akela insaan kuch nahi kar sakta jab tak unki family unko support na kare. So this is what she is a pure example for that, because she is whatever today, that's all because of her mother. Yeah. It's not necessary ki koi aapka godfather ho, aapke parents aapko support kar rahe, they're the biggest strength for you. Yeah, true. Okay, Marina, what is perfect beauty for you? Perfect beauty? This is very interesting question actually. और ऐसे क्वेश्चन में बहुत डर जाती हूँ. मेरे लिए ब्यूटी, परफेक्ट ब्यूटी होना, नॉट कि आप यू आर लुकिंग लाइक आप बहुत फेस से बहुत अच्छा दिख रहे हो, और लाइक आप एक एक्सपोज करते हो तो बहुत अच्छा दिखते हो, एंड आप स्पीक बात करते हो लोगों से तो अच्छा दिखते हो. बट मेरा जो कहना है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से खूबसूरत होना चाहिए. जब आप अंदर से खूबसूरत हो तो कहते हैं ना, परफेक्ट क्या, मतलब उसके आगे तो कुछ भी नहीं है. सो ऑलवेज लाइक इनसाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदर से कितने ज़्यादा खुश हो और कितने अपने आप को समझते हो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो चीज़ें हम करते हैं, प्लास्टिक चीज़ें और मेकअप, ये सब सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है चीज़ें, कि हम कुछ टाइम तक ही अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, लाइक वो मीडिया हो या जस्ट नॉर्मल लाइफ. बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको खूबसूरत रहना है और परफेक्ट मोमेंट बनना, तो उसके लिए आपको इनसाइड यू फील ऑलवेज लाइक एग्जैक्टली कि आप अंदर से खुश रहो और अंदर से यू फील कि बस मैं ही मैं हूँ. बट वो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई फिगर एग्जैक्टली. सो ऑलवेज आपको बस ये थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए. What's your opinion on the agent, and what you have to say, in what way you are going to increase this contestant as such? Come little forward, so, please. So what I have to say is, like, you know, I have been associated with Khushi and she has been my personal friend for a number of years. And we have been working on the psychological aspect about their other participants, so that they are able to present themselves in a certain platform of with confidence, with worthiness, and we actually allow them to reinvent themselves. So they might be coming from all forms and all walks of life. At times they would have been carrying out with their passion something that the family wanted them to do or they wanted to, but at the point of time where they are not able to really know where they have to really explore and find themselves, and they still have hidden missions in their life. Mm-hmm. And for that they really want, you know, the platform to open up. So here Perfect Woman is like a platform where we cater to their entire needs to reinvent themselves, and such that they not just tap the success, but their individuality really opens up to really grow up, not just in the map of our country, but worldwide. We have had, you know, lots of participants in the last number of years who have really gone up and really achieved a lot of things as milestones in their personal life, and which we realize that it's all because we have, brought up the worthiness. So this is something that, you know, I am here for my friend, and like the way it has just grown, because we have been there from ages. Now it's like 9 years of completion of, you know,
the Perfect Woman group, and then we moved into the different pageant contestants. Magazine is one forte, but we also keep organizing a lot of events so that, you know, every human being that connects with our consciousness of understanding really realizes that we are here to give and make them grow. Mm-hmm. So Marina, yeah. Finally, anything for all the contestants who are going to be a part of this pageant, something, any tips or something you would like to share with them? I'll just give, see अभी तो बहुत टाइम है उनके साथ क्योंकि अभी मैं मिली नहीं हूँ उन लोगों से आज हम सबसे एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनमें से किसी ना किसी को ढूंढने की कोशिश करूँगी कहीं ना कहीं एक मरीना उसमें दिख जाए क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है तो शायद मैं पहले तो वो देखूँगी और जो भी मेरी लाइफ का अभी तक मैं जो भी मैंने किया है लाइफ में जो भी मैंने सीखा है और मैं अभी जो भी सीखती आ रही हूँ और जो चीज़ें हैं मैं अफकोर्स उनको बताऊँगी कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए सो सी आई एम नॉट परफेक्ट कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं भी हर दिन हर चीज़ें सीखती हूँ क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस एंड माइनस जो चीज़ें होती हैं आप उस चीज़ को बैलेंस करते हो तो ऑफकोर्स मैं उनको कुछ ना कुछ तो टिप्स दूंगी जरूर थैंक यू और फर्स्ट फोटो ऑडिशंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं जी सर सॉरी अच्छा ठीक है स्माइल भाई जी 2000 सब भागेंगे किधर किसका सबका पता नहीं परिवार पहले जाएगा एक बार यहाँ पे देख लेना ऑडियंस आते हैं यहाँ पर लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता लेकिन परफेक्ट वुमन उनको ये चांस दे रहा है क्या कहना चाहेंगे क्या थॉट प्रोसेस था इस इनिशिएटिव के पीछे जिसके अंदर टैलेंट है और जो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है या बताना चाहता है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है तो क्या खास चीज़ें देखेंगे आप जो भी लड़की आएगी यहाँ पर और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आप लोग खास चीज़ें तो हमारी मैडम देखेंगे मैं देखने जाऊँगा तो घर से बाहर हो जाऊँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे ऑफ कोर्स और बाकी का तो ट्रेनिंग वगैरह हमारी तरफ से इस तरीके से होगी ताकि वो लोग एक प्लेटफॉर्म को सही तरीके से उनको एक अचीवमेंट हो सके और खुशी मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक उनका सेशन ऐसा रखना चाहिए कि मीडिया के साथ जैसे ये लोग एग्जैक्टली कि जैसे ये लोग सवाल पूछते हैं जो हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेंड नहीं है तो एटलीस्ट इनके साथ एक सेशन उन लोगों का होना चाहिए क्या कहते हो आप यस यस उनको भी पता चले उनको भी पता चले सवाल पूछते कैसे कैसे सवाल पूछते हैं और कैसे जवाब देना है इनको तो कैसा रहेगा ये गाइस अच्छा है ना तो ठीक है गुरु भाई आप अपने तरफ से कोई टिप्स देना चाहेंगे उन्हें हालांकि ब्यूटी टिप्स तो खुशी मैम देंगे लेकिन आप अपनी तरफ से क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे उन लड़कियों को सबको ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत करके आगे आए और अपना टैलेंट सबके सामने पेश करे ताकि वो भी कुछ किसी से कम नहीं है ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड ऑल द सक्सेस थैंक यू सो मच तारक मेहता First of all, thank you so much for having me here. Like, I'm truly grateful for this thing. Just my, meri thodi si ye tips hai girls ko. Just be very fit. If you are choosing modeling career, it's a very difficult job to do. Because it's not like you are a model. It's not a tag. It's like big journey and long journey. You have to sacrifice so many things. Food, diet and your skin. You have to take care of everything so I'll like to say like give my training to girls I'll tell them for sure so
खुशी मैं जानना चाहूंगा कि क्या मतलब वजह थी आशमा जी को चुनने के लिए, ब्यूटी ब्रांड के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए, व्हाट वाज द यू नो यूएसपी क्या नजर आया इनके उनकी यूएसपी? हमारी यूएसपी ये थी बिकॉज हमने इनको देखा है, इनका जो मेकओवर हुआ दैट वाज ट्रेमेंडस प्लेटफॉर्म है इनके लिए, क्योंकि द वे वी सॉ हर अर्लियर इन तारक मेहता एंड द वे वी सॉ हर नाउ इट्स लाइक अमेजिंग, बिकॉज द जर्नी व्हाट शी हैज गॉन थ्रू इज लाइक शी कैन बी ट्रू मोटिवेटेड टू लॉट मेनी गर्ल्स. पेजन में जितने पार्टिसिपेंट्स है वो उनके अलावा मेरे ख्याल से हम सब भी. I think there is lot of talk about women empowerment days. So what do you say? This kinds of glamorous event can also, you know, create awareness kind of thing for the women empowerment issues. Yeah, sure. Because women is like, we don't need any kind of like weapon. We are women, so we are already powerful. Like we are the most beautiful creation of the God. So just be yourself and be confident always. Trust yourself that you can make whole world crazy. Just be strong. Don't be like, I'm abla nari and I can't do this. If somebody giving you hard time, give them like, dude, you can't fuck with me and you can't shit anything. You can't do anything with me. So I'm like, I'm very strong person. My personality is very strong. I made myself like this. So my father taught me like, you are a woman and you are the most powerful thing in this world. So yeah, I'm sure. Professionally, what are you doing? Are you doing any project right now? Yeah, last like I think 5 months I'm keep shooting and like continuously shooting with lots of designer, and I've done one beautiful video on International Women's Day. It's all about women, like how we go through and how we pretend like we are doing this then. So that video is totally different, like, you know, that video is like we are doing this, we are taking care of our baby and other thing, we are like handling whole world. So that video makes me like, oh God, this is me. So yeah, these days I've done that thing, and I'm working with lots of designers, and like recently I've done the Benzer's designing, and I'm face of Hilton Hotel all over India for 1 year. So this is my achievement. I'm doing great things. Thanks. Very good. Ma'am, what do you have to say about the beauty pageant organized by Khushi Ma'am? I mean, it's really, you know, enduring and encouraging. So, kya kehna chahenge? Kitna bada achievement hai. I think it's really amazing. I think 9 years since they've been organizing. That's hats off to you guys. So, and I think it's something really, I mean, for girls to come here and do something like this, it's empowering in itself. And very encouraging. Girls now, these days are anyways very confident of themselves, in and out both. So I'm pretty sure they're going to do really well. And you're a part of show, so what do you think? Today's show, there are many shows that are coming. They're also centric. They're giving a lot of matches. What do you think? The show that I'm doing right now, that itself is a very women-centric show. Girls are there. We'll first finish this, then we'll take it off. On ZTV. So, it's all about this girl chooses not to conform to practices that are going on nowadays as far as marriage is concerned. So, how she fights against that. I'm playing a negative character in that. It's a negative lead. So, yeah. इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ जो है पार्ट बन रही है और बहुत सारे कंटेस्टेंट भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हर किसी का नजरिया अलग होता है. जो चीजें मुझसे चूक जाए वो उनसे कैच हो जाएगी. तो together we are going to create a new world. It's all about not just about women empowerment, but we believe it's like together we can and we will. So this is what is the mean. Abhi filhal jis hisab se sab log milke kuch karenge to ek better India, ek better platform, ek perfect Miss India create karenge. Okay, Marina, what about you? What's going on in the professional front? You know, what are you doing currently? हम लोग अभी इस चीज के बारे में बात करें तो आई थिंक इट्स मच बेटर.
अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पर्सनल तो मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ. सो मोस्टली जो बात करें तो इस टॉपिक पे करें तो इट्स अभी करंटली अभी आई हूँ मैं इस टॉपिक पे बात करने, तो आई डोंट नो कि मैं अभी क्या कर रही हूँ. सो डेफिनेटली इसके बाद मैं जरूर मैं आपसे बात करूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ. परफेक्ट वुमन मैगजीन के लिए शी इज राइटिंग अ कॉलम ऑल अबाउट फैशन, सो दैट इज समथिंग न्यू थिंग जो मुझे पता है बिकॉज दैट्स माय. Okay, what do you want to say about Perfect Woman and how much you are excited for this day? So Perfect Woman magazine, it's a great magazine. It's a magazine that stands for Incredible Amazing Woman, and a magazine that shows women beautiful things that we do have in life for us. So excited about this because I used to be a model, and now I'm married, and now it's awesome that there's an opportunity for a Mrs. Pageant that I can, you know, go and have my second break in. I was in modeling when I was younger, and because of my culture, I wasn't allowed to model lingerie and bikinis. My mom told me I'm Indian, and lo and behold, I come to India and everything's a whole different story. We have a porn star that's a Bollywood actress. Anyways, this is my second chance, I guess, or, you know, I just want a platform. I moved from Canada, India 7.5 years ago. I am an Indian citizen, and just looking for a platform to be able to speak to other women. I have a jeans brand. It stands for gender equality. It's on His and Hers Jeans. Perfect Woman actually did a story on me last year, which I thank them for. It was a great story, so thank you very much. I'm excited to walk the runway. I'm excited to, you know, be in such a pageant again. Keen interest towards fashion, photography, and clothing. I love माई नेम इज नम्रता सावंत. आई एम एन इंजीनियर. आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. सो टॉकिंग अबाउट फैशन, आई एम इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग फ्रॉम माई 11th स्टैंडर्ड. So Perfect Miss India has given me a chance to prove myself, to show my talents. So here I am. Namrata, what do you think about the makers? You know, associated. I think they have given us a great platform to show our talents, to stand out. Thank you so much. This is the confidence they're going to gain. So much confidence. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. इस पर कुछ रोशनी डालिए. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं
कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।